तो हर कोई चाहता है कि हमारा स्किन जो है हमेशा सुंदर, सॉफ्ट, ग्लोइंग और बिल्कुल गोरी चिटी दिखे। तो सिंपल सा उपाय इसके लिए है करना, बट इतना टाइम किसी के पास नहीं होता आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी में कि हम अपनी स्किन का इतना केयर कर पाएँ। लेकिन केयर तो करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप केयर नहीं करेंगे तो आपकी स्किन जो है बहुत डल हो जाएगी। क्योंकि बहुत लोग हैं जो पार्लर जाके घंटों उसमें वेट करते हैं और हज़ारों रुपए खर्च करके आते हैं, फिर भी उनकी स्किन उतनी ज़्यादा ग्लो नहीं कर पाती, उतनी ज़्यादा सुंदर नहीं लग पाती जितना कि वो चाहते हैं। तो आपको बिना एक रुपये भी खर्च किए आप घर के रेमेडीज से अपने स्किन की देखभाल कर सकती हैं, अपने स्किन को बिल्कुल नेचुरल, सॉफ्ट, सुंदर बना सकती हैं, रिंकल फ्री बना सकती हैं, और ये बहुत ही आसान है। तो चलिए वीडियो में देखते हैं कि आज मैंने सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स लेके आई हूँ जो आपके स्किन को सुंदर, सॉफ्ट और ब्राइट ग्लोइंग बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जितने लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना है। छोटी सी जो घंटी है उसको प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलेगा, नहीं तो नोटिफिकेशन जो वीडियोस की है वो मिस कर देंगे। कमेंट करके अपने ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। कोई और प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकती हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि ऐसे 3 इंग्रेडिएंट्स मैं लेके आई हूँ जो आपके फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, 100% नेचुरल है और इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं पेस्ट लगाने जा रही हूँ ये देखें, इसको मैंने बनाया मिला के और इसको अपने फेस पे लगाएंगे। अगर आप चाहती हैं कि आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग लगे, पिंक सा लुक लगे और फेयर लगे, तो ये पेस्ट आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स लिए हैं मैंने, हर एक चीज़ अपने जगह पर बहुत ही बेस्ट है। और इसे मेरे पूरे फेस पर अप्लाई करके हल्के हल्के से स्क्रब करेंगे हम इसे। एक बात का आप इसमें ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पे चावल के आटे की जगह पे सिर्फ चावल का ही आटा लेना है, यहाँ पे आपको बेसन नहीं ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे चावल का आटा आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। इसलिए कि कभी बेसन तो ऐसे हमेशा से ही हम लगा रहे हैं, लेकिन अब चाहिए कि थोड़ा सा चेंज करके कुछ हम अपने फेस में अप्लाई करें तो उसके लिए बेसन सबसे बेस्ट है। और बेसन के जगह पर चावल हमारा बेस्ट है, तो चावल यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे और हल्के हल्के हाथों से हमें सिर्फ 2 से 3 मिनट स्क्रब करना है इसे। जो फेस पैक, ये जो हमारा स्क्रब है या पैक है, इसे बनाने के लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो है बीटरूट, कॉफ़ी पाउडर और चावल का आटा। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 टीस्पून बीटरूट का जूस, जिसमें पानी मैंने बिल्कुल ऐड नहीं किया है, और उसको आप मिक्सी में ग्राइंड करके या कद्दूकस करके उसका जूस इजी तरीके से आप निकाल सकती हैं। 1 टीस्पून मैंने लिया है चावल का आटा और 1 टीस्पून कॉफ़ी। अब इन सभी के हमारे फेस पे क्या फ़ायदे हैं, तो चलिए इनके पहले मैं आपको फ़ायदे बता देती हूँ कि हमारे स्किन के लिए तीनों कितने उपयोगी। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे हम बीटरूट के बारे में। बीटरूट आपके फेस के लिए ही नहीं, बल्कि ये आपके चेहरे के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके शरीर के लिए और आपके बालों के लिए, सभी के लिए ये एक अमृत का काम करता है। हर जगह इसके बहुत ही उपयोग है, क्योंकि चुकंदर में विटामिन ए, सी और विटामिन के होता है। यह शरीर में आयरन, कॉपर और पोटेशियम की ज़रूरत को तो पूरा करता ही है, साथ ही आपके स्किन को हेल्दी बनाता है। चुकंदर का जूस अगर नियमित रूप से आप पीती हैं या आप अपने चेहरे पर लगाती हैं तो इससे आपकी त्वचा की रंगत निखरती है, साथ ही आपके चेहरे से दाग धब्बे दूर होते हैं, सनबर्न की समस्या जो है वो दूर होती है और आपकी स्किन से मुहासों की समस्या भी दूर होती है। इसलिए चुकंदर 100% बिल्कुल नेचुरल है आपके स्किन के लिए। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हमारा है वो है कॉफ़ी। यहाँ बात करते हैं हम कॉफ़ी के बारे में। कॉफ़ी हर किसी को पीना बहुत पसंद है और इससे हमारी सुस्ती और आलस दोनों दूर होती है, साथ ही हमारे शरीर से थकान भी दूर होती है। कॉफ़ी में एफिन पाया जाता है, जबकि कैफीन डल स्किन की समस्या को दूर करता है। ये स्किन से डलनेस को हटाने में और निखार लाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। इसे स्क्रब करने से स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता और इसे हमारे स्किन से डेड सेल्स जो है वो दूर होते हैं और स्किन को सुंदर, सॉफ्ट और ब्राइट बनाने में हेल्प करता है। इसे हम अपने स्किन पे अगर लगाते हैं तो बढ़ती उम्र के असर जो है कम दिखते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो बढ़ती उम्र में झुर्रियाँ, झाइयाँ जो होती हैं उनको इजी तरीके से क्लीन करके स्किन को सुंदर, सॉफ्ट बनाने में हेल्प करती हैं। जो इन्ग्रीडियंट्स हमारा है वो है चावल का आटा।
बढ़ते प्रदूषण और धूल की वजह से हमारे चेहरे की चमक गायब हो जाती है, तो इससे हम अपने चेहरे की देखभाल करना जरूरी समझते हैं। चेहरे की चमक को बरकरार रखने के लिए हमें खासतौर से ब्यूटी पार्लर में यानी कि ब्यूटिशियन बहुत सारे फेस पैक लगाने की सलाह देती हैं। ऐसे में यह पैक अगर नेचुरल हो तो हमारी स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और इसके कोई साइड इफेक्ट का भी खतरा नहीं होगा। तो ऐसे में चावल का आटा बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही सस्ता है, जो आपके चेहरे के चमक को बनाए रखने में हेल्प करता है। यह आपके चेहरे से गंदगी को साफ करता है, आपके चेहरे को चमकदार बनाने में हेल्प करता है, साथ ही आपके स्किन से जो डेड स्किन है उसको निकालने में मदद करता है। इससे कोई साइड इफेक्ट का भी खतरा नहीं है और इससे आपके चेहरे पे एक नेचुरल ग्लो आएगा, झाइयां दूर होंगी आपके स्किन से और आपकी स्किन बिल्कुल कोरियन ब्यूटी की तरह वाइट हो जाएगी और इससे आपके जितने भी ओपन पोर्स हैं वो सही होने के इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए चावल का आटा हमारे लिए हर तरह से बिल्कुल 100% नेचुरल है और ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसके हमारे चेहरे से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो इसलिए मैंने ये लिया है। ये देखिए, ये जो हमारा पैक है फेस पे अच्छी तरह सूख गया। आप देख सकते हैं स्किन कितनी ब्राइट सी लग रही है। तो चलिए इसको मैं क्लीन करके दिखाती हूँ। बिल्कुल इसे हल्का हल्का स्क्रब करते हुए बिल्कुल नॉर्मल पानी से इसे हम वॉश कर लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि स्किन कितनी ज़्यादा क्लीन लग रही है बिल्कुल और कितनी ब्राइट लग रही है। तो ठंडे पानी से वॉश करके आपको क्लीन दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने अपने फेस को बिल्कुल सादे पानी से इस तरह क्लीन कर लिया है। आप देख सकते हैं कि स्किन कितनी ब्राइट लग रही है और कोई भी डार्क स्पॉट फेस पे नहीं है। तो इस तरह अगर ज़्यादा दाग धब्बे आपके फेस पे हैं तो आप ये अपने फेस पे अप्लाई कर सकती हैं, तो कुछ दिनों में ही आपको फ़र्क नज़र आएगा और इससे जो नेचुरल ग्लो आता है आपके स्किन पे वो तो पूछे ही मत। एक ऐसा ग्लो आएगा कि वो आपको पार्लर में 1000 रुपये फेशियल कराने से भी नहीं आएगा। बट इसे आपको डेली अगर आप चाहें तो आप 2 टाइम कर सकते हैं, सुबह और शाम भी। तो ये देखिए स्किन कितनी ग्लो कर रही है, कितनी ब्राइट लग रही है, क्योंकि मेरे फेस पे पिंपल्स हमेशा आते रहते हैं। आप साइड में देख रहे होंगे कि पिंपल्स है और मेरे पिंपल्स जल्दी दाग के साथ ख़त्म हो जाते हैं। तो आज की वीडियो इतना ही। चलिए, आपको मेरी वीडियो आज की कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, इसी तरह नए यूनिक और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लगे आपको फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर।